are studying 9th standard 8th chapter, that is useful and harmful organism. We have already started the useful organisms, microorganisms. Now we will study today antibiotics. तो ये एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटी और बायोटिक्स, ये दो शब्द जो है, जो दो वर्ड्स है उनका यूनियन होके ये एंटीबायोटिक बना है. एंटी माने ये किसी को मारता है, बायोटिक ये किसी ने सिंथेसाइज नहीं किया है, ह्यूमन बीइंग ने तो बिल्कुल सिंथेसाइज नहीं किया है. बायोटिक माने किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इसको सिंथेसाइज किया है. क्यों किया है? कि दूसरे बैक्टीरिया या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उनके आसपास ना ग्रो हो पाए, उनको मारने के लिए ये एंटीबायोटिक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स या फंगल कल्चर्स या कुछ बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं. बाय दैट मीन्स दे प्रोटेक्ट देयर एनवायरनमेंट अराउंड देमसेल्व्स, दे प्रोटेक्ट द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट अराउंड देमसेल्व्स एंड दे लिव अ सिक्योर लाइफ देयर ऑन अ मीडियम. एंड फॉर दैट पर्पस they are regularly producing antibiotics for killing various kinds of microorganism which may be pathogenic. अभी ये तो उनका नजरिया है कि किसी और को हमारे पास में आने नहीं देना है, हमारा जो खाना है वो उसको खाने नहीं देना है, साथ में उस microorganism को मारना है. ये वो microorganism का, fungus का, bacteria का view है. हमारा view क्या है? We are human being and we see only the useful things in nature फॉर अवर वेलफेयर. तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने कैसे यूज़ किया इसका? ये किसी और को मार रहा है जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है, हमारे बॉडी में वो डिसीज कॉज करता है, तो वो ऑर्गेनिज्म को जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है उससे एंटीबायोटिक्स हमने प्रोड्यूस करवाई, उसके कैप्सूल बनवाए और हमने मार्केट में लाए और वो पेशेंट को प्रोवाइड किए जो वो डिसीज से सफर हो रहे हैं. So when that particular patient takes up this antibiotic which is from a natural origin, that particular patient get recovered from that disease due to the antimicrobial compounds produced by any fungus or any other bacterial cell. And this is a background behind studying the antibiotic in nature by the scientist or by the microbiologist. Point of this antibiotic, some antibiotics are called as broad spectrum antibiotics. Broad spectrum antibiotics are ampicillin, amoxicillin and tetracycline. These are three kinds of antibiotics which are called as broad spectrum antibiotic. What is the meaning of this broad spectrum? मीन्स ये एंटीबायोटिक ऐसी है, किसी पेशेंट है, कोई पेशेंट क्या सिम्टम कुछ दिख रहा है लेकिन वो डिसीज क्या है डॉक्टर को पता नहीं चल रहा है. सिम्टम दिख रहा है, पेशेंट बीमार है लेकिन कौन सा डिसीज है उसकी बॉडी में ये अगर पता नहीं है डॉक्टर को, तो जो एंटीबायोटिक सब डिसीज के ऊपर डॉक्टर यूज करता है उन एंटीबायोटिक को बोलते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. और उसमें से ये एग्जाम्पल है एमॉक्सिसिलिन, एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन. सो सच काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स विच आर यूजफुल फॉर नंबर ऑफ डिसीजेस विदाउट नोइंग द डिसीज, विद द हेल्प ऑफ ओनली आइडेंटिफाइंग द सिम्टम्स, डॉक्टर प्रिस्क्राइब दिस एंटीबायोटिक टू द पेशेंट एंड द पेशेंट इजिली रिकवर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिकनेस और फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिम्टम. वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है. तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक किसको बोलते हैं? उसके एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन. पेनिसिलिन, जेंटामाइसिन एंड एरिथ्रोमाइसिन ये तीन एंटीबायोटिक्स है जो माइक्रोबियल ओरिजिन से है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने प्रोड्यूस किया है और उसको नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं. नैरो माने लिमिटेड एरिया है, वो लिमिटेड एरिया में ये एंटीबायोटिक काम करती है. मीन्स कोई डिसीज है किसी को, डॉक्टर को पता है उसके सिम्टम्स क्या है, वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं सिम्टम्स. अगर वो पेशेंट ब्लड टेस्ट करता है और अगर वो डिसीज कंफर्म होता है कि या दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज, देन डॉक्टर प्रिस्क्राइब लिमिटेड एंटीबायोटिक फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट, मे बी पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन एंड जेंटामाइसिन, एंड द पेशेंट रिकवर फ्रॉम इट. एंड सच काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स आर कॉल्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक.
narrow spectrum antibiotic, we have seen it, and the example of narrow spectrum antibiotic is penicillin. This penicillin is produced by Penicillium rotatum and Penicillium chrysogenum microorganism. तो वो काम करेगा पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में, उनको क्लीन करेगा. तो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो पैथोजेनिक है, उसमें से है स्टाफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस एंड क्लस्ट्रिडियम. ऑल दिस पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट किल्ड बाय द पेनिसिलिन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय पेनिसिलियम नोटेटम एंड पेनिसिलियम क्राइसोजेनम. तो कौन कौन से इन्फेक्शन है, कौन कौन से एरिया है जहाँ पे पेनिसिलिन काम करता है, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ ईयर, नोज, थ्रोट एज वेल एज स्किन डिजीजेस. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ स्क्लेरेट फीवर एज वेल एज निमोनिया. तो पेनिसिलिन ये इतने ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करता है और पेशेंट को रिकवर करता है. द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ दिस पेनिसिलिन इज डैट इट इज एक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स. जो ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मारने का इम्पोर्टेंट काम ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक करता है.